गौरी ये पैटर्न एक्सप्लेन करो, दिस पैटर्न। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस वो वाला ना हाँ बेटी यही क्वेश्चन। सर, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों बेसिकली को। यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2 डिग्री लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिनोमिनेटर इज 4 डिग्री। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विथ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब डिवाइड कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर। ठीक है नेक्स्ट स्टेप बोलो। तो ये हो गया, फिर अभी ये वन प्लस एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कंसेप्ट एक्सप्लेन करो। वो जब ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस होता है तो नीचे हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ मतलब न्यूमरेटर में है प्लस, देन वी विल क्रिएट दिस माइनस। इसका यूज क्या है, डिफरेंशिएशन करने पे प्लस आता है। एक्स का हाँ डिफरेंशिएशन वन, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और सपोज करो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है माइनस लाइक दिस, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्रिएट करते हो क्या, प्लस हाँ बिल्कुल साइन टू एक्स के जैसा। न्यूमरेटर में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फिर माइनस क्रिएट करते हैं, और निगेटिव है तो फिर प्लस क्रिएट करते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। मतलब यहाँ पे प्लस टू ए बी, टू और टू कैंसिल तो माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू ए बी माइनस टू, माइनस टू को कैंसिल करने के लिए प्लस टू। ठीक है, और फिर ये काफी इजी फॉर्म बन जाता है यहाँ पे, दिस इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। ए स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये था, यहाँ पे भी डिवाइड विद एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पे भी डिवाइड विद एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट पैटर्न दिस। प्रथमेश ये तो मैं एक्सप्लेन करूं। सर इस क्वेश्चन में अगर मतलब कोएफिशिएंट अगर मतलब मेनली वो न्यूमरेटर एक्स ए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी बी टाइम्स सॉरी डिनोमिनेटर ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन में करना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर सिंपल ऐसा एक्स स्क्वायर या वन दिख रहा हो तो जनरली हम माइनस प्लस और माइनस करके वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो यही क्वेश्चन मतलब है वो एक्स वाला, देखो, तो वो एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड है, ये पता होता है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन वाले। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करते हो, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर। माइनस वन। हाँ अभी एक्स स्क्वायर और वन ये काफी सिंपल है, तो इसमें आपको ये कैपिटल ए कैपिटल बी ये सब नहीं लिखना होता। एक्स स्क्वायर विल बी दिस, वन अपॉन टू बाहर और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जस्ट प्लस के प्लेस पे। माइनस हाँ ठीक है, और फिर इसको सेपरेट, और ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, वही 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री, यहाँ पे डिवाइड विथ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, और फिर वही इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे न्यूमरेटर में है वन, वन कैन बी रिटन एज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन वन टू एक्स्ट्रा है टू, सो डिवाइड विद, टू हाँ ठीक है सही है, और फिर इसको सेपरेट, या लिटरली कुछ भी नहीं होता इसमें, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था घर पे, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगेन 2x² + 3, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस बी है टू, ए माइनस बी है यहाँ पे थ्री, फाइंड आउट ए एंड बी, फिर सेपरेट डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड पैटर्न, न्यूमरेटर में है प्लस, डिनोमेटर में क्रिएट करते हैं माइनस, न्यूमरेटर में है माइनस, डिनोमेटर में आप क्रिएट करते हो प्लस, हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर पॉइंट सी या टाइप सी ये आ गया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करते हो, अगेन दोनों को सेपरेट, और यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने को बोला था, ये हो गया क्वेश्चन। ये किसी ने ट्राई किया क्या क्वेश्चन दिस?
क्या आंसर आया इसमें बोलो। यार देखो ट्राई करके आया करो, है ना, ये तो डेली ऐसा ही होता है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। 1/x^4 + 3x^2 + 9। इसके अंदर स्टैंडर्ड कंसेप्ट भी, ये भी स्टैंडर्ड ही है, बस यहाँ पे थोड़ा इश्यू ये है कि दीज टू आर, नॉट सेम कोएफिशिएंट्स। हाँ मतलब बेसिकली डिफरेंट है, तो 1 + 1/x^2 ये फॉर्म क्रिएट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सेम करोगे, तो एक्स को रिप्लेस किया है हम लोगों ने क्या, √3t। बेनिफिट क्या है इसका, x^4 कितना आने वाला है बोलो, 94, और फिर 9 कॉमन, t4, दिस विल बी 90^2 + 9, 9 बाहर, √3 भी बाहर, ये बन गया अभी वन dt/4 + t^2 + 1, और 1 को लिखा दिस एक्स्ट्रा डिवाइड विद 2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करने को बोला था, ये किया है तुम लोगों ने। चलो इसको कंप्लीट कर लेना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये सब 1/क्वाड्रेटिक या फिर 1/√क्वाड्रेटिक, इसके एप्लीकेशन चल रहे थे, और ये 9th एप्लीकेशन था। सारे एप्लीकेशन काफी सिंपल है, और 1/क्वाड्रेटिक या 1/√क्वाड्रेटिक और भी एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है। अभी आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। अगेन ये कोई बहुत स्पेशल फॉर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ही हैं, सब तो मैं अपने स्टेट बोर्ड की बुक में भी मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, लाइक ये q√L, क्वाड्रेटिक रूट एल, या फिर q/√L, या फिर कहीं पे भी, मतलब एनीथिंग, l√L ये भी पॉसिबल है, या फिर ये भी पॉसिबल है 1/l√L। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि रूट लीनियर ये दिखना चाहिए आपको, क्या रूट, लीनियर हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस लीनियर को आप क्या पुट करते हो, t² t²। बस ये क्वेश्चन फिर पूरा ब्रेक हो जाता है ये क्वेश्चन अपने आप से। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, 3x² - 4x + 5 √x - 5 dx, ये क्वेश्चन। अगेन ये मत सोचना कि जस्ट क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, क्यूबिक भी हो सकता है यहाँ पे, एनीथिंग, बस स्क्वायर रूट में होगा क्या लीनियर। अगेन स्क्वायर रूट में होना भी कंपलसरी नहीं है, क्यूब रूट में भी हो सकता है। क्यूब रूट में होता है तो क्या पुट करते हैं फिर, t³। अभी है ये स्क्वायर रूट, स्टार्ट करते हैं, पुट t² dx इज इक्वल टू रूट माय dt। हाँ, तो ये टू बाहर, और ये हो गया t dt, ये था t²√t। अभी करना क्या होता है ना, दिस एक्सप्रेशन इसको भी कन्वर्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ, t ठीक है, सो एक्स इज t² फाइव ठीक है, तो ये है 3x² यानी 3t² + 5 15 15, नहीं एक सेकेंड, ये x² है ना, तो ये आएगा थ्री होल स्क्वायर, टाइम्स t² + 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। इसको एक सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज 3 times t² + 5 होल स्क्वायर माइनस का 4 times t² + फाइव और प्लस 5। सिंप्लीफाई करोगे तो t^4 आने वाला है, 3 t^4, t² आएगा यहाँ पे 10 t² * 3 यानी कि 30 t² और -4 t² यानी कि प्लस स्क्वायर कांस्टेंट 25 * 3 75 -20 प्लस 5 80 -20 60 ठीक है, और फिर यहाँ पे t² अंदर मल्टीप्लाई, और ये हो गया है अभी 3 t^6 26 t^4 + 60 स्क्वायर। और ये अब इजी क्वेश्चन बन गया है, हो जाएगा आगे, ठीक है, इजी होता है, कुछ भी नहीं है लिटरली इसमें ना। अभी तो क्या ये क्वाड्रेटिक था, तो ये परफेक्ट इसका करना पड़ा आपको, इसकी जगह पे कोई सिंपल ही होता जस्ट लीनियर,
तो इजीली आ जाता है. लाइक दिस क्वेश्चन, 2x प्लस 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5. फिर से रिपीट करता हूं, रूट लीनियर ये वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, जस्ट रूट लीनियर. ठीक है, तो पुट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर डिफरेंशिएट 3 dx इज इक्वल टू 2t. dx इज 2 d dt अपॉन 3, और इस पोर्शन को भी कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ. टी ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से x फाइंड कर लो पहले ना. x कितना रहा है बोलो, टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3, और क्वेश्चन में है दिस. सो 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन थ्री थ्री प्लस फाइव एलसीएम 3, दिस इज 2t स्क्वायर. 10 और 15 कितना हो गया, 25 25. तो ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 3. मल्टीप्लाई करोगे विद टी और ये बन जाएगा 2t³. इंटीग्रेशन पता है हम लोगों को, 2 to the power 4 अपॉन 4, और ये बनेगा 25t. 25t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिपेंड ट्वेंटी हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, इंटीग्रेशन पूछ रहा. तो 25 बाहर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन. लिटरली कुछ भी टफ नहीं होता इसमें, बस इसको आपको टी स्क्वायर रखना होता है. ठीक है, अच्छा टी क्या आएगा ये भी देख लो, है ना. तो टी है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5. डन, ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो. सर्वेश तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन. अनिशा तुम एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करते हैं. पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर डिफरेंशिएशन डीएक्स इज इक्वल टू 2t dt, और ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस 2t dt अपॉन x प्लस 1 है t स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज t यहाँ पे, एंड दिस पोर्शन ये भी t के फॉर्म है, x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3. दिस t कैंसिल. नाउ दिस क्वेश्चन इज दिस 2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस, हाँ, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. ये क्या होता है वो, वन अपॉन टू ए एल एन एक्स माइनस ए एल एन एक्स प्लस सी. करेक्ट है, ये क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो.
प्रथमेश स्टार्ट करो क्वेश्चन को, बोलो। सर x x plus one square dx is equal to फिर उसका two t dt तो ये dx के प्लेस पे 2t dt x plus one तक x is equal to x is equal to t square minus one न्यूमरेटर है x plus two will be plus one and denominator है this x square plus 3x plus 3 x is t square minus 1 whole square plus 3 times t square minus 1 और ये हो गया है प्लस का 3 ओपन करते हैं t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर यानी जस्ट t स्क्वायर दिस इज 1 प्लस 3 माइनस 3 यानी प्लस 1 सो दिस इज t टू द पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 दिस t कैंसिल नेक्स्ट स्टेप बोलो डिवाइड बाय t स्क्वायर डिवाइड बाय 1 अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन t स्क्वायर तो ये हो गया दिस एंड दिस इज दिस नाउ दिस विल बी रिटन एज t माइनस 1 बाय प्लस 2 प्लस प्लस 2 प्लस 2 हां बिल्कुल तो ये हो गया अभी और बाद में इसको पुट करोगे p तो ये क्या बन जाएगा अपने आप से dp 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 ये हो गया dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 3 और ये है अभी 1 upon x square plus a square integration क्या होता है इसका 1 upon a inverse x square where p is p minus 1 by t and t is a under root x plus 1 बस हो गया क्वेश्चन तो यार नहीं होता कुछ भी टफ नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी इनके स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने के तो इस समय था रूट एल फॉर्म है ना अच्छा ये सब ऑलरेडी हो गया है एल अपॉन रूट क्यू या फिर एल अपॉन क्यू एल अपॉन रूट क्यू या एल अपॉन क्यू स्टैंडर्ड मेथड है एल इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी प्लस बी है ना ओके अभी है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फॉर्म है दिस वन अपॉन एल रूट क्यू यानी कि लीनियर रूट क्वाड्रेटिक इसका भी स्टैंडर्ड मेथड है आप एल को क्या पुट करते हो वन अपॉन टी ये तुम्हें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा है ना ये क्यों पुट करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता है सॉल्व ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इसका कि एल को वन अपॉन टी ही क्यों पुट कर रहे हैं ना ये वैसे भी रिप्लेसमेंट है replacements के कोई प्रूफ नहीं होते हैं like example है this 1 upon x plus 1 under root of x square plus x plus 1 x square plus x plus 1 को आप t square put करोगे ना कोई benefit नहीं होता उसे क्योंकि पहले तो हम लोग linear को t put कर रहे थे तो x separately आता है अब इसको t square put करोगे तो x square easily नहीं आएगा ना sorry x easily नहीं आएगा और फिर x को यहाँ पे नहीं put कर सकते तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये जो बाहर तुम्हें लीनियर दिखता है ना इसको क्या पुट करो वन अपॉन टी लाइक एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करो इसे डीएक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन dx 1 upon t का differentiation minus 1 upon t square और dt हाँ यहाँ तक कोई doubt तो dx के place पे 1 upon t square और dt
x plus 1, this was 1 upon t. End square. Well, इसको भी आप चेंज करोगे कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ टी, तो एक्स है बेसिकली 1 अपॉन टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आ रहा है देखो, 1 अपॉन टी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 और ओपन करते हैं तो ये हो गया अभी a माइनस b होल स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी एंड दिस वन तो ये हो गया अभी 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन टी प्लस एलसीएम टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 माइनस टी प्लस टी. हाँ ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा अब नो बना और ये सब है स्क्वायर रूट के अंदर तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी एंड दिस पोर्शन इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस दिस टी एंड दिस टी स्क्वायर रिमेनिंग है जस्ट दिस. गौरी कैसे सॉल्व करते हैं इसको? t का कोफिशिएंट मतलब हाफ करेंगे और करेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर तो ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है 1 अपॉन रूट ये आता है हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करना तो यही बेनिफिट है l को आप पुट करते हो 1 अपॉन t देन दिस विल कन्वर्ट इनटू वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक तो ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और लिटिल यार काफी इजी क्वेश्चन है टफ तो बिल्कुल नहीं है. ओके अब एक ही पेयर रिमेनिंग है यहाँ पे और वो है दिस. देखो यार एक तो ये फॉर्म था ना लाइक दिस क्यू रूट एल या 1 अपॉन एल रूट एल या फिर 1 अपॉन क्यू रूट एल इस सब का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है. इसको क्या पुट करते हैं? टी स्क्वायर एक फॉर्म था ये. यहाँ पे एल को क्या पुट करते हैं? अब एक पेयर और रिमेनिंग है दैट इज 1 अपॉन क्यू रूट क्यू 1 अपॉन क्यू रूट क्यू. बस इसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं कई बार बाकी भी सिंपल ही होता है. तो 1 अपॉन क्यू रूट क्यू एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर लाइक एग्जाम्पल है दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3. अब ऐसे तो बुक्स में यार इसके भी कुछ मेथड्स वगैरह लिखे होते हैं वो सिंपल ही बाकी है तो एक काम करते हैं इसको टाइप वन बोल देते हैं ना. ये सबसे इजी क्यू रूट क्यू है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है. ठीक है तो इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको. देखो यार यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो बाहर कितना आएगा बोलो एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लो बाहर कितना आएगा बोलो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ और एक्सटर्नल है एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो एक्स एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है अभी 2 + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड स्क्वायर रूट के अंदर ई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू. ओके ये हो गया अभी 1 अपॉन एक्स क्यूब दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन स्क्वायर. अब यहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि ये जो आपको 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना इस पूरे को ही क्या पुट कर दो स्क्वायर.
इसका बेनिफिट क्या है देखो अभी, है ना, तुम्हें दिखेगा इसका बेनिफिट। इसको डिफरेंशिएट करो, 2 0 3 और ये है x टू द पावर माइनस टू, डिफरेंशिएशन माइनस टू आगे एंड डिनोमिनेटर में कितना आएगा बोलो, dx t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आपका ये 1 अपॉन x क्यूब कंज्यूम हो गया, ठीक है। दिस टू कैंसिल, dx कैन बी रिटन एज t dt अपॉन 3 माइनस 3 और ये dx अपॉन x क्यूब कंज्यूम, और ये पोर्शन था t स्क्वायर का अंडर रूट t, एक जस्ट ये रिमेनिंग है अभी, ये इसको भी t में कन्वर्ट कर लो, तो यहां से 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 और एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको जस्ट 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर यानी t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 3, 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज 1 अपॉन 3 और ये 3 ऊपर, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, दिस t कैंसिल, दिस 3 आल्सो कैंसिल, और ये बन गया फाइनली जस्ट सिंपल माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, क्या इंटीग्रेशन होता है, इतने स्टेप्स तो आपको लिखने पड़ेंगे यार बुक्स में, इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते हैं कि पहले 1 अपॉन p पुट करो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो लास्ट ईयर तक तो वही बता रहे थे, ठीक है। ये प्रसाद ने ही सजेस्ट किया था ये मेथड कि सर इस तरीके से करके देखते हैं, काफी इजीली हो रहा था इससे, और यही बेस्ट मेथड है। So, ये है माइनस टेन इनवर्स टी, वेयर टी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस थ्री अपॉन प्लस सी। तो इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ पे भी x स्क्वायर कॉमन लोगे, देन दिस विल बी दिस x क्यूब a a प्लस b अपॉन x स्क्वायर एंड दिस विल बी p प्लस q अपॉन x स्क्वायर, इसको आप पुट करते हो क्या, और फाइनली ये आता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, जस्ट इतना ही क्वेश्चन, बाकी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो ये सिंपल ही क्वेश्चन, मतलब इस सच कोई एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही माइंड अप्लाई करना था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, इधर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, दिसको टी स्क्वायर, हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट, चलो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप से ट्राई करो,
चलो स्टार्ट करते हैं. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? हाँ बोलो. एक्स स्क्वायर कॉमन, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी दिस, थ्री माइनस फाइव है. नेक्स्ट बोलो. एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस थ्री एक्स. नेक्स्ट बोलो. फिर फोर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को टी स्क्वायर, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को टी स्क्वायर, टी स्क्वायर. अनुप करेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो. आगे बोलो. फिर उसका डिफरेंशिएशन. हाँ डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है बोलो. फोर इंटू माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स और टू डी टी, टू टी डी टी. नेक्स्ट स्टेप बोलो. फिर dx को वहां पुट करेंगे. हाँ बेसिकली dx और ये x क्यूब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा. दिस इज माइनस वन अपॉन फोर और t dt. ये पोर्शन था t स्क्वायर अंडर रूट है t और ये रिमेनिंग है थ्री माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर, थ्री माइनस का फाइव और वन अपॉन एक्स स्क्वायर. वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो. टी स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन फोर. हाँ ये इधर पुट करो. टी कैंसिल, ठीक है. ये फोर ऊपर और ये हो गया ट्वेल्व माइनस फाइव टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव. ये होगा माइनस फाइव टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी थ्री, अगेन माइनस कॉमन रिमेनिंग है. अच्छा ये फोर कैंसिल, रिमेनिंग है दिस डी टी अपॉन फाइव टी स्क्वायर प्लस थर्टीन. फाइव टी स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रूट फाइव टी एंड थर्टीन इज स्क्वायर ऑफ रूट थर्टी. फाइनल इंटीग्रेशन one upon root 30 one, one root 30 into one upon root 5 10 inverse root by root 5 or extra divide with root 5 root correct ho gaya yaar simple hi hota hai kuch bhi tough nahi hai isme okay theek hai to ye tha point 1 hai na point a tha ye iske andar इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और वो सब इजी होता है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस dx अपॉन x माइनस टू होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस वन. ये बेसिकली दिस पैटर्न है. अगेन ये भी वन अपॉन क्यू रूट क्यू है ना, ये भी वन अपॉन क्यू रूट क्यू है, लेकिन जो ये बाहर वाला क्यू है ना, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सेम एज वन अपॉन एल रूट क्यू. और एल रूट क्यू में क्या करते थे बोलो? अपने आप से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको ट्राई करो. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन वगैरह लेने से नहीं होता क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस फोर एक्स आएगा. ये कुछ पैटर्न्स है वो माइंड में रखने होते हैं.
put x minus 2 1 upon t, dx is equal to minus 1 upon t square dt. And this is also 1 upon t square. Ye 1 upon t square, 1 upon t square. Cancel. हाँ, और ये जो स्क्वायर रूट वाला है ना, इसको टी में कन्वर्ट कर दो. तो एक्स है बेसिकली 1 अपॉन टी प्लस 2, 1 अपॉन टी प्लस 2, और ये यहाँ पे पुट, तो ये हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 अपॉन टी प्लस 4 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 और प्लस का 1. सिंपलीफाई करो कितना. One plus 5t plus 7t square upon t square. And t square का अंडर रूट t. और ये बन गया अभी this minus t upon square root of 7t square plus 5t plus 1. अब ये किस फॉर्म में आ गया अभी? One upon quadratic. नहीं, one upon में थोड़ी है, तो linear upon quadratic है ना. ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. लीनियर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस प्लस कर सकते हैं इसको, है ना. बाद में ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिनोमिनेटर आप पुट करते हो टी, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में डीटी अपॉन रूट टी यानी कि 2√t. ये सब ऑलरेडी बताया है ना, कल किया था. तो ये टाइप बी था, इसमें बाहर वाला एक्सप्रेशन शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे ये तो काफी सिंपल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी से होती है क्वेश्चंस आने की. ये जो फर्स्ट टाइप था इससे x स्क्वायर कॉमन, इसको पुट करते हो आप t स्क्वायर, इजीली बनता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. यहां पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रहा है, यहां पे बन रहा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. फिर इसके अंदर एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न और ये भी काफी सिंपल ही है. वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर. स्पेशलिटी ये है कि इन दोनों का जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वर्टेक्स का, बोलो. माइनस बी बाय टू ए. हाँ, वो सेम होना चाहिए. Like example है this, 1 upon x square plus 2x plus 3 and square root of, देखो क्या benefit होगा तो मैं अपने आप समझ आएगा. ये काफी, ये type 1 में ही change होता है actually. And this is like 4x square plus 8x minus 15. Vertex का x coordinate माइनस b अपॉन 2a, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस का v अपॉन 2a माइनस 1, और ये भी कितना है माइनस 1. इसमें कोई डाउट? ओके, इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं. ये किसका स्क्वायर बनने वाला है बोलो, x प्लस 1 होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आएगा? 2. यहां पे काम करो, इसको ही परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए बोला है आपको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बना देते हैं, तो बाहर कितना आ गया? 2 आ गया. 2, और रिमेनिंग कितना रहेगा बोलो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन
हाँ, और ये परफेक्ट स्क्वायर है अभी x प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज वन और माइनस वन, और ये हो गया माइनस का 19 अपॉन फोर फोर। या फिर एक काम, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। बाकी तुम ये भी कर सकते हो चाहो तो, यार ना इस फोर को यहीं पे भी रख सकते हो इधर ही। अभी क्या ये फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें कोई डाउट? नहीं, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, नहीं। डीएक्स इज इक्वल टू, और ये बन गया अभी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ऑफ फोर टी स्क्वायर माइनस, और ये बन गया टाइप ए बन गया, ये दिख रहे हैं आप, यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन। कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा है, बस ये एक्सप्रेशन क्रिएट करके रख देते हैं। टी स्क्वायर ओके। एनी डाउट? नहीं सर। चलो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन कर लो। ये ट्राई करो, तुम चाहते हो तो टू इसको कॉमन भी ले सकते हो, थ्री कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर्स वगैरह आते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं हम लोग, इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, इजी रहता है देखने में। वर्टेक्स से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, जस्ट इतना कॉन्सेप्ट है। कॉमन, एक काम करते हैं सबको सेपरेट कर लेते हैं और फिर यहां पर रख देते हैं। 2x² + 2x + 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 रिमेनिंग है दिस, और दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट 1/4 माइनस का 1/4, 3/2 माइनस 1/4 इज बाय 4। 5/4, और ये मल्टीप्लाई में था 2, इसको कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2 टाइम्स एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस बाय बाय टू। करेक्ट, 3x² + 3x - 5, 3 कॉमन, रिमेनिंग है दिस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट 1/4 माइनस 1/4, तो 5/3 और माइनस का 1/4, एलसीएम 12, 3, 4, 20 और 3, यानी कि माइनस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3
So this will be 3 times x plus 1 upon 2 whole square minus 23 upon 4. ये values यहाँ पे रखने हैं। एक काम ये भी कर लेते हैं। Put x plus 1 upon 2 is equal to dx is equal to यार केवल कैलकुलेशन से कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो ये बन गया अभी dt upon 2t square plus 5 square root of 3t square minus 23 by 4 और ये बन गया 1 upon q root q t square वगैरह कॉमन और फिर इसको पुट कर देते हैं 1 upon वाले को p square हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट टाइप 1 upon q root q में और वो भी काफी सिंपल ही है। डी ए में क्या था, ए में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था ही नहीं है ना। बी में बाहर वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, सी के अंदर इन दोनों का वर्टेक्स सेम और डी में ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, मतलब बाहर वाला परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम भी नहीं होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं वर्टेक्स सेम भी नहीं होता है। जैसे एक क्वेश्चन है तो ये एक्सप्रेशन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों के वर्टेक्स सेम आ रहे हैं क्या बोलो? नहीं। हाँ तो इसमें कर लेकिन इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? बस इतना ही स्पेशलिटी है, बाहर वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, इसको सेपरेट कर देते हो लाइक दिस, पार्शियल फ्रैक्शन। अब जैसे इतना बताओ यहाँ पे साइन प्लस और माइनस क्या आना चाहिए? माइनस डेफिनेटली। एलसीएम लोगे यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन, दिस विल बी माइनस एक्स माइनस थ्री, एक्स एंड एक्स कैंसिल, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1/2 और ये बन गया 1/ एल रूट क्यू। एल को क्या पुट करते हैं? 1/t। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा सबके ऊपर, लाइक क्वेश्चन है दिस, ये थोड़ा समझ रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हैं, सीईटी वगैरह सब में आते हैं क्वेश्चंस। बस स्टार्टिंग आपको एक माइंड लाना है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल। दिस इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यार देखो ये 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री में जा रहा है क्वेश्चन, ये कहां जा रहा है? 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री, तो इसको देख के वही माइंड में आना चाहिए 1 अपॉन हाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे उसमें ये स्क्वायर रूट ऐसा नहीं होता, इसके अलावा ये फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं आती है, भाई ऐसे ही तो होता है वो क्वेश्चन लाइक दिस, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर भी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विद 1 अपॉन x विद x स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन x square। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर को भी आप x square से डिवाइड कर रहे हो ना, यहाँ पे भी x square से डिवाइड, लेकिन ये square root के अंदर है, तो इसको just कितना sufficient है? x। ये समझ आ रहा है? भाई x इस square root के अंदर x square बन के जाएगा ना? तो यहाँ पे डिवाइड विद एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड किया विद एक्स और इसको भी डिवाइड किया विद एक्स और ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर,
तो ये स्क्वायर रूट में क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, और यहाँ पे डिवाइड विद एक्स, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। आपके एक साथ कई सारे काम हो गए यहाँ पे। न्यूमरेटर में है माइनस, तो दिस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करोगे आप किसमें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, और देखो बाहर भी यही है। Now put x plus 1 upon x is equal to t, differentiation 1 minus 1 upon x square dx is equal to dt dt, तो ये हो गया b dt upon t and this is square root of t square minus 2 minus 2, और ये कौन सा फॉर्म बन गया अभी लीनियर वन अपॉन एडिट। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता तो क्या करते बोलो, दिस इज लाइक वन अपॉन क्यू रूट क्यू, लेकिन क्यू रूट क्यू में भी ये बहुत सिंपल है ना, टी स्क्वायर कॉमन, तो बाहर कितना आएगा टी क्यू, और ये और वन अपॉन टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से वन अपॉन टी क्यू भी मिलता है ना, तो इसको पुट कर दो पी स्क्वायर। अभी क्वेश्चन है ये दिस एंड दिस इज वन अपॉन एल रूट क्यू, क्या करते हैं इसमें बोलो, एल को वन पी करते, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे जो है टी को पुट करते हैं वन अपॉन पी, या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे वन अपॉन पी पुट करने का, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है मेरे को, ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये किसका डिफरेंशिएशन टाइप का लिखा हुआ है बोलो, सेकंड तो, हाँ ये बिल्कुल सही बता रहे हो यार, ये किसने बताया, तुमने बताया क्या, हाँ सर, यार वेरी गुड यार, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, नहीं ये फॉर्म है एक्चुअली। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, सेकंड इनवर्स, वन अपॉन ए सेकंड इनवर्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन ए सेकंड इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, वेयर टी इज एक्स प्लस एक्स बाय वन अपॉन एक्स, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। ये भी मैटर सॉल्व हो गया, इसका मैटर भी सॉल्व हो गया, और डिफरेंशिएशन आपको ये मिल गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा वो भी माइंड में रख सकते हो, याद है बताया था कि कुछ तो आप टी पुट करते हो, उसका डिफरेंशिएशन फिर न्यूमरेटर में आना चाहिए। हाँ तो देख लो यहाँ पे कुछ एक्स वगैरह कॉमन लेके कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह मिल रहा है, वो भी ठीक रहेगा।
अभी न्यूमरेटर में टू टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी टू टर्म्स बनने चाहिए, तो तुम कंप्लीट एक्स स्क्वायर वगैरह कॉमन नहीं ले सकते। सोचो, ट्राई करो। अनूप क्या ट्राई कर रहे हो बताओ? पिछले मेथड से वो नहीं रहा, हो गया है? नहीं रहा कर रहा। कुछ तो कॉमन लेते, क्या कॉमन है पहले वो? देखो एक्स वगैरह कॉमन मत लेना, एक्स वगैरह कॉमन लोगे तो फिर ये बाहर रूट एक्स आएगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसके। तो इवन पावर ही कॉमन लेते हैं ना, तो सपोज करो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, पहले तो बाहर कितना आ गया? एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन, दिस इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या करना चाहिए, सोचो। ये है 1 + x^4। अच्छा दिस एक्स स्क्वायर ये डिवाइड इन न्यूमरेटर, दिस विल बी दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x^2। अभी इसको t वगैरह पुट करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, और हमें न्यूमरेटर में ये भी नहीं मिल रहा है ना, ऐसा भी नहीं मिल रहा है कुछ। 1 चाहिए आपको, 1। सर x^6 कॉमन लेते हैं। टू द पावर 6 कॉमन ले रहे हो तो फिर बाहर आएगा x³, यानी x^4, और ये बनेगा फिर दिस। इसका क्या बेनिफिट है? अभी तक एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है ना, एक काम करते हैं और कॉमन लेके देखते हैं इसमें से, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखो। एक्स स्क्वायर कॉमन यानी एक्सटर्नल पार्ट शुड बी एक्स, और ये बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x^2। ठीक है, और फिर ये ऊपर डिवाइड, सो दिस विल बी एक्स माइनस 1/x^3। अभी कोई बेनिफिट है क्या? तो पुट कर देते हैं टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बोलो, 2x माइनस का 2/x^3 dx is equal to 2t dt, this two cancel, और ये क्वेश्चन बन गया b, t dt upon t t t cancel, final answer is t plus t c, clear?
ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी क्लासिक क्वेश्चन था। और भी कोई मेथड माइंड में आता है तो शेयर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन या फिर डिवाइड करना एक ही बात है ना। या फिर एक काम करते हैं ना, वही वही क्वेश्चन तो है ये, सेम वही तो क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपने डिवाइड एक्स स्क्वायर ये एक्स और यहाँ पे दिस एक्स, ये अंदर जाता है एक्स स्क्वायर, सेम ये क्वेश्चन है। यहाँ पे डिवाइड विद एक्स स्क्वायर इसको एक्स, इसको x और ये x अंदर x स्क्वायर x सारे टर्म्स अपने आप से मैनेज होंगे इसमें, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस 1 अपॉन x डिवाइड विद x स्क्वायर, ये बनेगा दिस, ये क्लियर। न्यूमरेटर में है प्लस, तो आप इसको क्रिएट करोगे इन फॉर्म ऑफ माइनस, और अभी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अभी डी टी अपॉन टी एंड अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस one, and now this is in form of 1 upon L root quadratic, L ko put karte ho 1 upon P, four options. Ek ye question, ye aapko as a homework hai, isko mind mein rakhna hai question ko, wahi karke aana hai. X minus 1 upon X plus 1 and this expression is x to the power 4 plus x square plus 1. या फिर एक काम करते हैं, अभी ट्राई कर लो इसका, अभी ट्राई कर लो इसको, कंप्लीट हो जाएगा।
वैसे ये क्वेश्चन ऐसा ही है ना, देखो यहाँ पे क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे काम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन अपने आप से, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए डिवाइडेड मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस वन, अब ये क्वेश्चन वही बन गया, आपने जो किया था ना वही क्वेश्चन बन गया। कि थोड़ा पैटर्न माइंड में होना चाहिए ना, टू डिग्री टू डिग्री, ये फोर डिग्री, ये आता है सॉल्व करना हमें, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। डिवाइड विथ यहाँ पे x, ये भी x और ये x अंदर जाएगा क्या, x स्क्वायर क्वेश्चन सो, तो ये हो गया अभी वन माइनस वन अपॉन x स्क्वायर, दिस इज x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, और ये बन गया है क्या x स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन x, न्यूमरेटर में माइनस, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू यस, यानी x प्लस वन अपॉन x होल स्क्वायर माइनस प्लस टू, और x प्लस वन अपॉन x को क्या पुट करोगे अभी, डिफरेंशिएशन ये मिल गया, ये हो गया dt अपॉन t प्लस टू इनटू अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, और ये फॉर्म है वन अपॉन l रूट q, l को पुट करते हैं वन अपॉन p, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Any doubt? Okay. इसमें कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, टोटल वन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ, फोर क्वेश्चंस, ओके। इन क्वेश्चंस तक किसी को बोलो, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर में, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का एक मल्टीप्लिकेशन रूल है, जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है वैसे, इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर छोड़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है दिस, fx into gx और इन दोनों का इंटीग्रेशन, fx into gx इंटीग्रेशन, ओके। तो देखो इसमें क्या है ना, अपने आप से आपको एक कंसीडर करने पड़ते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब वो कंसीडर कैसे करते हैं, उसके कुछ मेथड्स भी हैं, वो बाद में देखेंगे। तो सपोज करो ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है क्या सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, हाँ